हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। माय नेम इज़ मनीष कुमार पटेल और आज हम जो टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर है। बेसिक तौर पर मेरा ब्लॉग नहीं, आज घूमने कहीं भी नहीं गया हूँ क्योंकि ड्यूटी में लगा हूँ सिक्योरिटी गार्ड के, तो ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलता यहाँ पर। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड में आप भर्ती कैसे हो सकते हो। तो बेसिक तौर पर आप सीधा सीधा मैं आपको बता दूँ कि आप एक तो सीधा ब्रांच से भर्ती हो सकते हैं या फिर आप सीधा जाकर ट्रेनिंग सेंटर से भर्ती हो सकते हैं। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में आप जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, आपको एक महीने रखेंगे और लगभग फीस जो है 10,500 का लगेगा। और जो ट्रेनिंग है उस दौरान आप वहाँ पर पूरा रहेंगे एक से लगभग एक महीने 10 दिन, ठीक है। तो वहाँ पर आपको यह रहना पड़ेगा। और यदि आप ब्रांच से जाते हो तो आप सीधा सीधा आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से आप अपने मुंबई एडमिशन होंगे, वहाँ पर लगभग वहाँ पर 7,000 रुपये लगेगा और वहाँ पर मूवमेंट लेटर लेंगे और आपको जिस जगह पर भेजा जाएगा अपने आसपास के एरिया में जो प्लांट होगा वहाँ पर आपको सीधा सीधा वहाँ पर भेज दिया जाएगा। और जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर आप ट्रेनिंग पूरा करेंगे और ब्रांच में सीधा सीधा आपको वहाँ पर भेज दिया जाता है। लेकिन एक बात है, अगर आप ट्रेनिंग सेंटर से करते हैं तो 3 महीने बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आपके आगे के किसी काम में काम आएगा और इसमें नहीं मिलता है। और इसमें केवल सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड की ही एक पोस्ट होता है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट के बाद आप आगे जिस कंपनी में जाएंगे वहाँ पर काम करेंगे वहाँ पर आपको आगे जो प्रमोशन दिया जाता है वो सुपरवाइज़र और बाकी अदर लेवल GTU बहुत सारे अदर लेवल के और बड़े बड़े लेवल के होते हैं। आप जैसे सेंटर से जाते हैं तो आपको सेंटर से जाएंगे तो ज़्यादातर आपको स्टेट में नहीं, आसपास में नहीं देंगे, आपको अदर स्टेट में आपको दिया जाएगा। जैसे चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया और ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टेटों में आपको सीधा भेजा जाएगा। तो ये सभी चीज़ों को आप ध्यान दे रख सकते हैं कि यदि आपको यदि कुछ महीने के लिए यहाँ पर काम करना है तो आप सीधा सीधा ब्रांच से जाकर संपर्क कर लीजिएगा। जो कंपनी की वेबसाइट है www.siindia.com पर, यहाँ पर आपको सभी ब्रांच का पता चल जाएगा। और आपको यदि लंबे टाइम से यदि सिक्योरिटी गार्ड पूरा ही करना जॉब यहाँ पर, तो आप सीधा जा कर के जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और ट्रेनिंग सेंटर के हमेशा रिक्वायरमेंट हर जिलों में आता रहता है, कुछ महीनों में 6-7 महीने, 5 महीने, 1 महीने, 2 महीने, तो उनसे आप जाकर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन जो केवल मेरे सिक्योरिटी गार्ड में जो काम करने वाले उनके लिए था। बाकी मेरा डेली ब्लॉग रोज़ आता रहेगा। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।